और मामा जी, अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर क्यों ना आप अपनी पूरी शक्ति से खिलजी का सामना करते हुए वीर गति प्राप्त करें, और हम स्त्रियां इससे पहले कि खिलजी के हाथ आए अग्निदेव की शरण में चली जाए। मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। अकेले में क्यों वैद्यराज जी? क्या आप अकेले में हमसे किया हुआ वचन तोड़ना चाहते हैं? ये वचन अपने अंदर रखकर भी मैं क्या करूंगा रानी बो? ये पाप तो वचन तोड़ने के पाप से भी ज्यादा है। अब वो समय आ गया है रानी बो, क्या आपकी हालत सबको बताना हमारी विवशता है। कोई बात ना है वैद्यराज जी, अब हमें भी यही लागे है, ये बात किसी से छुपा नहीं पाएंगे। बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारे पास और कितना समय है। बस कुछ आवश्यक कार्य है जो अधूरे हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं हम। क्षमा रानी मां, पर कल का सूर्यास्त शायद ही रानी बहू के नसीब में हो। कोई बात नहीं वैद्यराज जी, अब हमें अपने हर काम अति शीघ्रता से करने होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले हम अपने सारे अधूरे कार्य पूरे कर लें। बस एक कार्य है जो पूरा ना हो पाएगा, हम इनसे क्षमा मांगना चाहते हैं पद्मिनी, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। पर हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे दीदी, हमारे खिलजी के पास जाने से अगर इनके प्राणों की रक्षा होती है तो हम अवश्य जाएंगे, क्योंकि यहाँ चित्तौड़ में जो कुछ भी अनिष्ट हो रहा है उसका कारण हम ही हैं। अगर हमारे खिलजी के पास जाने से वो इन्हें छोड़ देता है तो कम से कम आप अपने अंतिम क्षणों में इनके दर्शन तो कर पाएंगे। हमारी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रही हो छोटी बहन, जाने से पहले हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। हम जानते हैं कि तुमसे क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है हमारे पास, बस समय की सीमा ने हमें इतना निर्लज्ज बना दिया है कि तुमसे क्षमा मांग रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, आपने हमारे साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया। जीवन भर बोलती आई हूं मैं, अब भी बोल रही हूं, तुम सुनो। ये सब बोलने से हमारा हृदय हल्का हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे मन का कोई बोझ हल्का हो गया।
हमने अपने सुख के लिए तारा जीवन नरक बना दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि कहीं तुम हमारी जगह ना ले लो, कहीं हमारे जगह तुम रानी ना बन जाओ। पर इस पूरी धरती पर हमसे बड़ा ना समझ और कोई ना है, क्योंकि हम तो ये समझ ही नहीं पाए कि तुम कितनी महान हो पद्मिनी, क्योंकि हम तो ये समझ ही नहीं पाए कि तुम कितनी महान हो पद्मिनी। हम थारे को समझ ही ना पाए। हमारे हर उपहास को तुमने झेला, उसे सहन किया, लेकिन कभी हमारा प्रतिरोध नहीं किया। तुम हो पद्मिनी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। हमें क्षमा कर दो। राणे बहु से रोते ना है, भूल तो इंसान से ही होवे ना। पर इंसान वो होवे जो अपनी भूल का प्रायश्चित करे। ते अब आराम करो, मां काली ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं ये कोई क्षमा मांगने का समय ना है, पर हम अब क्षमा नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? और फिर क्या पता ये अवसर फिर से आए ना आए। हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है छोटी बहन, पर एक बात याद रखियो, हमारे जीते जी निखिल जी के पास नहीं जाओगी। जो होना है हो जाए, पर निखिल जी के पास नहीं जाओगी। और अगर खिलजी का सामना ही करना पड़े तो उसके सामने हम जावेंगे। वैसे भी 2 दिनों का समय है हमारे पास, ये बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं गुजारेंगे। मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम सब लोग हमें क्षमा कर दो।